इसको जीत चुके हैं। अच्छा। और उसने उसी की मर्जी से ये सब है ना, ये महाराज के वो आदमियों के घर है इसके अंदर जो उनके सही आ गया। तो दोस्तों फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं। लो भाई साहब कटवाओ। सो गाइस हमने फाइनली टिकट ले लिए हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं। फॉरेनर का है 850 पर व्यक्ति और इंडियंस का है 300। तो अब हम लोग जाएंगे अंदर दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो। हाँ इधर दोस्तों ये रखी है छोटी सी ट्रेन जो ग्वालियर में महाराज के लिए चलती थी। तो यहाँ पर हो रही है चेकिंग। दोस्तों ये रखिए यहाँ पर तोप छोटी वाली। दोस्तों देख सकते हो काफी बड़ा महल है जयविलास पैलेस। इसमें सिंधिया जी श्री माधवराव जी ने फैमिली के साथ बड़ी शान और शौकत से रहते थे। और ये है यहाँ का खूबसूरत गार्डन देख सकते हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें 408 बड़े बड़े 448 हॉल हैं, जिसमें से 400 बंद है और 48 आप देख सकते हो। ये है माधवराज सिंधिया की फैमिली। मरचा घोड़ा होता है 330 से। ये महाराज साहब की किट है पूरी जब वो क्रिकेट खेलते थे बचपन में। अच्छा ना आसिम साढ़े 3। दोस्तों ये है वो पुराने जमाने के हथियार, जब राजाओं की सेना लड़ाई में जाती थी तो ये कवच पहन के मैदान में उतरती थी। आप देख सकते हो एक से एक बेहतरीन इसमें बर्ची, खुरपा, तलवार, चाकू, छुरी, भाला सारी चीज़ें आपको देखने। ये जहाज दोस्तों आप देख सकते हो ये वो बंदूकें हैं जो उस पुराने ज़माने में चलाई जाती थी। देख सकते हो काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जयविलास पैलेस। इटालियन कट मास ग्लास झूला। और क्या उनका बैठने का है वेटिंग। अभी बैठते हैं? नहीं, दुनिया की हर कालीन आपको देखने को मिलेगी इस म्यूजियम में। केरमान का कालीन देख सकते हो।
ये ट्रेन यहीं पर होगी, इधर से पानी भरा था। ये जो गेस्ट रूम है, जो विदेशों से गेस्ट आते थे ना, जब कोई फंक्शन वगैरह होता था तो यहाँ बैठते थे। और ये सब चांदी की थालियाँ हैं, देख सकते हो। ये मैरिज फोटो और ये स्टैचू रखी है, देख सकते हो। यहीं पर ट्रेन चलती थी भोजन के लिए, जो गेस्ट गए। एक बार इंडियन टीम को भी यहीं पर भोजन कराया था। फोटो ले लेते हैं। यही वो ट्रेन है जो इस ट्रैक पर चलती है भोजन के लिए। और क्या, यहाँ पर गेम्स स्पोर्ट्स का है उनका। के वाला। ये पीछे वाला गेट है और ये तोप रखी है सामने, देख सकते हो। ऐसे ही चार गेट है चारों दिशाओं में। लघु एवं मध्यम स्तर उद्योगों का उन्नतीकरण, दोस्तों अब हम लोग जाएंगे ऊपर। आप देख सकते हो ये काफी बड़ा झूमर है, ये बैटिंग रूम सिंधिया जी का। यहाँ पर कॉर्पोरेट जगत के जितने भी लोग आते थे। कब दे जाएगा ये पुराने जो पालकियां होती थी। और ये सामने बग्गी देखने को मिलेगी आपको। ये उनका पुराना सामान है जो उस वक्त यूज करते थे। दोस्तों ये है पुराने बर्तन जो यूज होता था पहले खाना बनाने में। पहले क्या बावर्ची खाना बोलते थे, देख सकते हो दोस्तों। काफी बड़े बड़े बर्तन रखे हैं इसमें। ये दोस्तों पुराने जमाने का किचन। और ये है ग्लास जो वाइन के लिए यूज करते थे, देख सकते हैं। ये वो सामान था तो क्या, जब ये शिकार करने जाते थे ना, तभी ऐसी पेटी ले जाते थे साथ में। अच्छा, उसमें खाना पीना चम्मच चाकू खाना बनाने का सब सिस्टम रहता था। और ये सो फाइनली गाइस हमारा वीडियो हो चुका है पूरा, और हम निकल रहे हैं किले की ओर जो कि पुराना किला है। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना बेबिलास कैसा लगा।